Good morning, guys. Day 2, 9th of January 2020. Ahmedabad mein hu. Raat ko kal pahuncha main. Kal ka vlog aapne dekha to aapko samajh mein aaya rahega. Fresh ho gaya around 8:30-8:45 pahunch gaya tha hotel mein main. Kal 550-600 km ke andar distance tha. बहुत अच्छा ड्राइव था, कंफर्टेबली आया, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, आराम से ड्राइव किया, आराम से आया. और अब आज एक्चुअली रेस्ट है, क्योंकि कल मॉर्निंग में एक मीटिंग है, वो अटेंड करना है. तो आज के लिए रेस्ट है, तो मीट यू ऑन द रोड. कल मैं आया था, मैं बोला बहुत ब्यूटीफुल दिखता है गोल्ड लेक का दोनों बाजू में. अभी कुछ रिजर्वेशन वापस ब्रिज कुछ बन रहा है वहाँ पे लेक के बाजू में ही. यहाँ पे नाश्ता करूँगा उस वाले. हाँ बोलिए ना. चावल होता है. कितना? 5 रुपया. थैंक यू. पार्किंग चार्ज 5 रुपये, रीजनेबल है. सिग्नल पे 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ गाड़ी. सब मुड़ मुड़ के गाड़ी को ही देखते रुकते. सब तो आधे से ज़्यादा तो ये लाल डब्बा जो आगे लगा हुआ है इसको देख के परेशान हो जाते. ये क्या लगा के रखा है? क्योंकि जेरी कैन ये कोई कॉमन आदमी देखता नहीं है ज़्यादा. इंडिया में बहुत कम लोग वहाँ पर थे. गाड़ी सिग्नल में साबरमती आश्रम. अभी नाश्ते के बाद मैं ऐसे ही पता कर रहा था कि यहाँ पे क्या है घूमने के लिए, तो मेरे को मिला साबरमती आश्रम जो पास में था, 4 किलोमीटर दूर था. यहाँ पे अभी साबरमती आश्रम पे आए. यहाँ पे आके रुकने के बाद बहुत लोग गाड़ी का फ़ोटो लेके गए, कुछ लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो निकाला. सबको अच्छा लगता है ये देख के कि अपन मैं बॉम्बे से यहाँ से बॉम्बे से ड्राइव करके आ रहा बोला तो ऐसा देखते, अभी यहाँ से दिल्ली जा रहे बोले तो ऐसा देखते. ये 8वां अजूबा है ये दुनिया का. ये साबरमती आश्रम करके ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. यहाँ पे रूट मैप है पूरा क्या क्या है करके. उसके बाद म्यूजियम है, प्रार्थना भूमि है, उदय कुंज, रूट मैप है पूरा कहाँ से कैसा जाना है. यहाँ पे म्यूजियम.
ये है मगन निवास, इसका हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, पास में जाके पढ़ाता हूँ। दिस यूज टू बी द हाउस ऑफ मगनलाल गांधी हु वॉज अ सोल ऑफ सत्याग्रह आश्रम इन वर्ड्स ऑफ मेमोरेबल ग्रीफ इन ऑन हिज डेथ इन 1928 गांधी जी सेड हिज डेथ वॉज His death has widowed me. अलग अलग टाइप का चक्र, अलग अलग देश का है, सॉरी अलग अलग स्टेट का है, पंजाब। राज खादी वीविंग का एक 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 मशीन्स है यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग है, साइकिल वाला। श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लांटेड दिस बोरसिला ट्री ऑन 3 सितंबर 2017। ये जो झाड़ है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी से प्लांट किया हुआ है 2017 में। सेम श्री नरेंद्र मोदी Prime Minister of India planted this tree, this tamarind tree, on 29 June 2017. इमली का झाड़। तो ये था साबरमती आश्रम मेरे नज़र से। एंड अभी साबरमती आश्रम हो गया, अभी ये व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। मैंने ऐसा सोचा कि जो हिस्टोरिक प्लेसेस है उसको अलग ही व्लॉग रखते ताकि वो उसका व्यूइंग थोड़ा अच्छा रहेगा, जो है वही दिखाऊंगा। अच्छा तो अभी साबरमती आश्रम यहाँ पे एंड होता है।
ये दो झाड़ अब जो आपने देखा वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने लगाया हुआ है 2017 में. बहुत अच्छा आइडिया है, जाने दो. बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, फ्री लोकेशन है ये पूरा. इसके अंदर बुक स्टोर भी है और खादी का स्टोर भी है. मुझे कुछ ऐसा खादी ये चीज़ लेके अभी रखने के लिए गाड़ी में जगह नहीं है तो मैंने देखा नहीं. चलो एंजॉय करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलना. एक्सप्लोरिंग फॉर पीस ये चैनल पे रहने के लिए धन्यवाद. आज चैनल का नाम के हिसाब से लोकेशन पे था, बहुत शांति है यहाँ पे, तो पीस ये यहाँ पे मिलता है.